अस्सलाम वालेकुम, वाहिका वर्ल्ड से मैं मोहसिन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के पराठे की रेसिपी। ये मूली के पराठे बेहद लजीज है, हर किसी को बहुत ही पसंद आएंगे। बिना देरी के चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, नमक, मूली, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, अजवाइन और तेल। आप भी जल्दी से इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले पराठे का डो बना लेते हैं। एक बाउल में गेहूं का आटा लेकर उसमें नमक और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स करके डो बना लेंगे। अब इस डो को 10 मिनट तक अच्छे से गूंदकर सॉफ्ट बनाएंगे। इसे इस तरह से पंच मारते हुए सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगाकर प्लेट ढककर आधे घंटे तक रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे तक रेस्ट के लिए रख देती हूँ। चलिए अब हम पराठे का स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए मूली को पील करके दोनों तरफ के किनारे काट लेंगे। फिर इन मूलियों को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने सारी मूलियां ग्रेट कर ली है। इन मूलियों में नेचुरली पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसे ऐसे ही पकाएंगे तो स्टफिंग में पानी ज्यादा रह जाएगा, इसलिए हम मूली से पानी निकाल लेंगे। इसके लिए एक बाउल पर इस तरह एक कॉटन का रुमाल डाल लेंगे। इस रुमाल में ग्रेट की हुई मूली को डाल लेंगे। फिर इसकी पोटली बनकर अच्छे से घुमाते हुए निचोड़कर सारा पानी निकाल देते हैं। देखिए कितना पानी निकला है। अब मूली अच्छे से ड्राई हो गई है, इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम स्टोव ऑन करके फ्राइंग पैन रखकर दो छोटे चम्मच तेल डाल लेंगे और गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा और अजवाइन डालकर सॉटे करेंगे।
अब कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कच्ची बू जाने तक फ्राई करेंगे। अब ग्रेटेड मूली डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। फिर अब हम इसमें सारे पाउडर्ड मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम स्टोव की फ्लेम को लो रखेंगे। मसाले सारे अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हरा धनिया डालकर मिलाकर हम स्टोव बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा स्टफिंग तैयार है। चलिए अब पराठे बना लेते हैं। हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे थोड़ा सा गूंदकर इससे थोड़ा सा हिस्सा आटे का लेकर इस तरह से पेड़े बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। ये लीजिए, मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टोव ऑन कर लेते हैं और तवा रख लेंगे। फ्लेम को कम कर देते हैं। एक पेड़ा लेकर छोटा सा पराठा बना लेंगे। इसमें एक चम्मच भर के मूली का स्टफिंग रखेंगे। और इसके किनारे सारे पोटली जैसा इस तरह से मोड़ लेंगे। अब इसे हम दोनों तरफ से घुमाते हुए सॉफ्ट करके सूखे आटे में लपेट लेंगे। इस पेड़े को हल्के हाथों से बेल लेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, पराठा थोड़ा मोटा ही बेल लेंगे। ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगा, तो इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब इस पराठे को हम तवे पर डाल लेते हैं। तवा भी गर्म हो चुका है। मैंने पराठे को तवे पर डाल दिया है। देखिए, पराठे का रंग बदल रहा है, इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। ये एक तरफ से पक गया है, इसे पलट देंगे। इस पर तेल लगाकर पलट लेते हैं। और दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे। देखिए माशाल्लाह, हमारा पराठा कैसे फूल रहा है। इसे फिर से पलट देते हैं। ये देखिए, हमारा मूली का पराठा अच्छे से पक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कितना यम्मी पराठा बना है, मैं एक और पराठा बना के दिखा देती हूँ।
इस तरह पेड़े को हल्के हाथों से ही फैलाते हुए कटोरी की तरह बना लेंगे। इसमें स्टफिंग डालकर इसके किनारे बंद कर देते हैं। अब इसे सूखे आटे में दोनों तरफ से डुबोकर हल्के हाथों से बेल लेंगे। पराठे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह से बनाकर देखें। पराठे बिना फटे फूले फूले बनेंगे। देखिए मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। इस पर मक्खन डालकर सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस रहेंगे। छोटी कटोरी दही में एक टीस्पून चीनी डालकर मिक्स कर लें। पराठे को इसके साथ सर्व कर सकते हैं। पराठे का बेस्ट कॉम्बिनेशन है मीठा दही। मैं इस पराठे की लेयर भी निकाल कर दिखा देती हूँ। स्टफिंग पूरे पराठे पर अच्छे से फैल गया है। मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसे बने। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेसिपीज पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। आप अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।